महाशिवरात्रि पर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह नजर आया। मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां की गई, जहां हजारों भक्तों ने पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिवना नदी के घाटों से लेकर गर्भगृह तक आकर्षक सजावट की गई है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के पट महाशिवरात्रि पर्व पर सुबह 4 बजे खुले। इसके बाद बाबा का पंचामृत से अभिषेक हुआ और उसके बाद भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। शिवरात्रि के महान पर्व पर शिव जी का कहा जाता है, शिव जी का विवाह हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में भगवान पशुपतिनाथ को विशेष फूलों की तरह सजाकर दूल्हे की तरह सजाया गया है और महाआरती की गई है। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर कई दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुँच रहे हैं। मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए सुरक्षा एवं सुविधा की व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मंदसौर जिले के भूभावन भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी भगवान के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। काफी मनोरम दृश्य और भगवान का विशेष रूप से महाआरती श्रृंगार और तमाम जो है श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चालू है और सुबह 4 बजे जिस तरीके से मंदिर के कपाट खुले उसके बाद से ही लगातार भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। मंदसौर जिले में स्थित भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के अलावा और भी कई शिवालयों में जो है आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में इस वक्त हम मौजूद है, जहां गर्भगृह की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भूतभावन भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है और काफी मनोरम श्रृंगार जो है भगवान पशुपतिनाथ का किया गया है। इस मनोरम दृश्य को निहारने के लिए भक्तगण जो है यहाँ पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर आज पूरे दिन भर जो है काफी भक्तिमय वातावरण यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे में भक्तों को इस विशेष दिन का मतलब इंतजार रहता है। कई भक्त अपनी मनोकामना जो है पूरी करने के जो भगवान से मन्नतें मांगने के लिए या इस दिन का विशेष इंतजार करते हैं और वो दिन आज आया है और निश्चित तौर पर आज पूरे दिन भर जो है भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ेगी। दूर दराज से हजारों लाखों भक्त जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और भगवान पशुपतिनाथ का जो है दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। शिवरात्रि के इस विशेष दिन यहाँ पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना महाआरती और भोग तमाम जो है भक्तिमय वातावरण जो है यहाँ पर बना हुआ था। सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंचे थे और विद्वान पंडितों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना करवाई जा रही है। निश्चित तौर पर आज के इस विशेष दिन की सबका इंतजार रहता है और विशेष दिन आज पहुंचा है और भगवान शिव की जो है यहाँ पर आराधना की जा रही है, उन्हें बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें प्रसादी और तमाम तरह के जो उन्हें भोग लगाए जा रहे हैं। तमाम विद्वान पंडित जो है यहाँ पर उपस्थित है और उनके द्वारा जो है भक्तों को दर्शन लाभ प्राप्त कराया जा रहे हैं। भक्त का सुंदर मनोरम दृश्य और अलग अलग नयनाभिराम दृश्यों को देखने के लिए भक्तगण जो है सुबह से ही मंदिर पहुँच रहे हैं और देर तक जो है यह सिलसिला जारी रहेगा। करीब 36 घंटे तक जो है मंदिर के कपाट खुले रखने की संभावना है आज के दिन और दर्शन लाभ लगातार चलते रहेंगे। इसके अलावा मंदिर प्रबंध समिति की एक बेहतरीन सुविधा जो है इस बार लागू की गई है कि YouTube पर दर्शन जो लाइव दर्शन जो है मोबाइल पर भी दर्शन लाभ प्राप्त कर सक रहे हैं भक्तगण। दूर दराज देश के किसी भी कोने में बैठे भक्तगण जो है YouTube लाइव के जरिए भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर सके। मंदिर में आज की सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात की जाए तो 100 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर तैनात है। CCTV कैमरों से जो है मंदिर के ऊपर निगाह रखी जा रही है और कई तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। कुल मिलाकर आज काफी भक्तिमय वातावरण यहाँ पर देखा जाएगा।